सच है। तो आज की बड़ी खबर जानेंगे कि पाकिस्तान का घमंड हुआ चकनाचूर। पहले लगाया व्यापार पर रोक, अब खुद ही बदल रहा है ये नियम। जी हां, आपको बता दें कि कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के द्वारा भारत से व्यापार पर लगाया गया प्रतिबंध उसके ही गले का अब फांस बन गया है। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक बड़ी कंपनी को एक ऐसा कच्चा माल भारत से आयात करना है जो पाकिस्तान में नहीं पाया जाता है, लेकिन चूंकि भारत से व्यापार पर पूरी तरह से रोक है इसीलिए पाकिस्तान सरकार ने भारत से माल मंगाने की अनुमति नहीं दी है। आपको बता दें कि अब जब संकट बढ़ा है तो सरकार ने इस पर संबंधित विभागों को नए सिरे से प्रस्ताव बनाने को कहा है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि दक्षिण कोरिया की फर्म लोटे केमिकल पाकिस्तान को सरकार ने भारत से कच्चा माल के आयात की अनुमति नहीं दी है। वहीं आपको बता दें कि वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने ये बताया है कि लोटे केमिकल पाकिस्तान दक्षिण कोरिया का पाकिस्तान में एक बड़ा सा निवेश है। इसे भारत से 40,000 टन पेरासिलीन आयात करनी है। यह प्योर टेरेफ्थालिक एसिड को बनाने में काम आने वाला कच्चा माल है। आपको बता दें कि यह पाकिस्तान में नहीं पाया जाता है इसीलिए इसे आयात करना पड़ता है। पीटीए का इस्तेमाल टेक्सटाइल पैकेजिंग और बांटिंग उद्योगों में किया जाता है। लोटे केमिकल इसे पाकिस्तान में बनाने और अन्य कंपनियों को बेचने वाली इकलौती कंपनी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कंपनी को इस कच्चे माल की जरूरत पड़ी लेकिन भारत से व्यापार पर रोक के कारण इसे मंगाया नहीं जा सकता है।